हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटे के बटन को दबाएं। दुनिया में जरूरतमंदों की सेवा करना ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की मदद का जज्बा रखते हैं। कुछ लोग तो ये जज्बा विरासत में लेकर ही आते हैं। उन्हीं में से एक है रावेर की सांसद रक्षा खड़से। बिल्कुल जमीन से जुड़कर अपने क्षेत्र में काम करने वाली महाराष्ट्र के जलगांव जिले की रावेर की सांसद रक्षा खड़से के प्रयासों से चोपड़ा में 2 दिवसीय मुफ्त अपंग साहित्य शिविर का आयोजन सोमवार को किया गया। नमस्कार, मैं संदीप पाटिल। आज अपन इथे आलेलो आहोत उपजिल्हा रुग्णालय चोपडा येथे। रावेर मतदार संघातील खासदार माननीय रक्षाताई खडसे यांच्या प्रयत्नाने चोपडे तालुक्यातील व चोपडे तालुक्यातील परिसरातील लोकांसाठी, अंध व अपंग बांधवांसाठी, गरजू लोकांसाठी साहित्य वाटपाचा कार्यक्रम इथे आयोजित करण्यात आला आहे। जिले भर से हजारों की तादाद में आए दिव्यांगों से श्रम रक्षा खड़से रूबरू हुई। हर एक से पूछताछ की, उनके फॉर्म की जांच की, सभी को मार्गदर्शन करते हुए ये सांसद थक भी नहीं रही थी। यहाँ सभी के लिए भोजन पानी की व्यवस्था का भी बहुत ख्याल रखा गया था, जिसके लिए सभी दिव्यांग संतोष व्यक्त कर रहे थे। रक्षाताई खड़से कार्यक्रम राबोला कार्यक्रम हमेशा व्हायला पाहिजे। रक्षाताई खड़से चांगल काम के भविष्य अपंगांसाठी सुरक्षा म्हणजे काहीतरी करायला पाहिजे, त्यांच्यासाठी अपंगांसाठी काहीतरी करायला पाहिजे, अडचणी दूर करायला पाहिजे। जलगांव जिले के रावेर मतदार संघ में हुए इस भव्य शिविर के अध्यक्ष के स्थान पर पूर्व मंत्री एकनाथ राव खड़से रहे तथा कार्यक्रम का उद्घाटन जिले के पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल एवं गिरीश महाजन के हाथों से संपन्न हुआ। सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, भारत सरकार द्वारा कृत्रिम अंग निर्माण निगम जबलपुर की ओर से भारत सरकार की ADIP योजना के तहत आयोजित दिव्यांगों के साहित्य मदद के कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष उज्ज्वला पाटिल, विधायक संजय सावकारे, चंद्रकांत सोनवने, हरिभाव जावले, जिला परिषद के अपंग कल्याण सभापति प्रभाकर सोनवने समेत अन्य मान्यवर मौजूद थे। सांसद रक्षा खड़से के प्रयत्नों से हो रहे शिविर में हजारों की संख्या में दिव्यांग बंधु मौजूद थे। उनके चेहरों पर रक्षा खड़से के प्रति कृतज्ञता के भाव दिखाई दे रहे थे, किंतु सांसद खड़से ने साफ शब्दों में कहा कि मैं किसी पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। मेरे मतदार संघ के लोगों ने मुझे चुना है और सेवा का जो मौका दिया है उसके लिए मैं उनकी ऋणी हूँ। ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार की तरफ से पिछले साल 5 साल में एक कैंप, मतलब जो दिव्यांग लोगों का कैंप है, वो पूरे देश में लिया जा रहा है। और इसकी वजह एक है कि आपने अभी जब हमारा प्रोग्राम चल रहा था तब आदरणीय खड़से साहब ने भी कहा कि मोदी साहब की ये सोच है कि अपंग जो लोग हैं उनको नया नाम दिया गया है कि दिव्यांग करके उनको पहचाना जाएगा इसके बाद। और दिव्यांग का मतलब है कि वो भी हमारे सर्वसामान्य लोग जैसे ही है, वो भी आगे जा सकते हैं, वो भी हमारे जैसे बन सकते हैं। इसलिए उनको प्रोत्साहन करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये कैंप के आयोजन किए जाते हैं। और इन कैंप के माध्यम से उन्हें जो चीज़ें ज़रूरत है, मतलब जैसे व्हील चेयर है, देन उसके बाद मोटरसाइकिल टू व्हीलर है, देन उसके बाद जो उनको सुनाई नहीं देता है तो सुनाई देने के लिए मशीन, ये सब चीज़ों का आयोजन मतलब केंद्र सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम जो कैंप है वो काफ़ी हद तक अच्छे लेवल पे लिए जा रहा है। और इसके लिए सभी गवर्नमेंट एजेंसीज है या हमारे कार्यकर्ता है, हमारे पदाधिकारी है, हम है, हमारे सांसद है, विधायक है, सभी लोग इसके लिए मदद कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। और ये हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, हमने लोगों ने हमको चुन के दिया है, हम उनके प्रतिनिधि है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ये सब चीज़ें उन तक पहुँचाना। और सही ढंग से ये जब सब स्कीम है वो उन तक पहुँचा के उस स्कीम का सबको उनको लाभ देना। आशा है कि दिव्यांगों के लिए किए गए इन प्रयासों से लोगों में नेताओं और सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा। चोपड़ा से कैमरामैन धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा और संदीप पाटिल की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटे के बटन को दबाएं।